हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेडिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जो है यूटेडिया टेस्ट सीरीज का बिहार दरोगा एसआई का प्रीलिम्स का तीसरा वीडियो। ये तीसरा टेस्ट सीरीज वीडियो है जिसके आंसर यहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इसका पीडीएफ लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये ऑफलाइन के साथ साथ आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, इसके 100 प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले, अगर आप ये टेस्ट सीरीज को ज़्यादा बेहतर रूप में बनाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से इसके वीडियो को डाउनलोड कर लें, इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, और पीडीएफ को बनाने के बाद इसके आंसर से मैच करें कि आपके कुल कितने सही हो रहे हैं। इससे आपकी तैयारी ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, के एम मुंशी, जे बी मावलंकर। यहाँ पर ध्यान आपको देना है कि बहुत सारी समितियाँ, 13 समितियाँ गठित की गई थी संविधान सभा के दौरान। कार्य संचालन के जो समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष थे के एम मुंशी, जबकि संचालन समिति का जो गठन किया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में किया गया था। तो कार्य संचालन के एम मुंशी, और सीधे संचालन समिति अगर पूछा जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में 7 सदस्यीय एक समिति थी जिसने ड्राफ्टिंग तैयार किया था पूरे संविधान का। तो इसका गठन जो है वो किया गया था 29 अगस्त 1947 को, और इसी के आधार पर संविधान की मूल रूपरेखा तैयार हो पाई थी। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। संविधान के किस भाग में आपातकाल के उपबंधों का उल्लेख मिलता है? आपात उपबंध इमरजेंसी के संबंधी प्रावधान जो है वह ऑप्शन सी 18वें भाग में मिलता है, जो कि आर्टिकल 352 से लेकर के 360 अर्थात 352 से 360 अनुच्छेदों के मध्य आपात से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। और आपको पता होगा कि भारत में 3 प्रकार के आपातों का प्रावधान किया गया है जिसका वर्णन भाग 18 में है। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से गृहीत की गई है? ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, कनाडा। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में देसी स्रोत के साथ साथ विदेशी स्रोत भी काफी बड़ी संख्या में लिए गए हैं, इसीलिए ये जो विधि संबंधित स्थापित प्रक्रिया है ये जापान से लिया गया है। अब आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के विषय में सही नहीं है? आपको पता होगा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का पहला अध्याय है जिसमें संविधान के मूलभूत विशेषताओं को संग्रहित किया गया है, या संविधान का संक्षेप भी इसे कहा जाता है। पहला है, प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। तो ये पहला लाइन। दूसरा लाइन है, यह गैर न्यायिक है। अब आपके पास ऑप्शन है कि एक या दो, केवल एक, केवल दो, न तो एक न तो दो। इसका सही उत्तर है न तो एक न तो दो, अर्थात प्रस्तावना जो है वो गैर न्यायिक भी है और प्रस्तावना विधायिका को शक्ति प्रदत्त नहीं करता है। जितने भी प्रावधान संविधान में प्रस्तावना के अतिरिक्त दिए गए हैं वहां से शक्तियां जो है वो विधायिका और कार्यपालिका आदि को प्राप्त होते हैं। प्रस्तावना केवल संविधान का संक्षेप सार मात्र है। आते हैं छठे प्रश्न की ओर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य हो जाएंगी? अर्थात वैसे अनुच्छेद जो संविधान के मूल अधिकारों से मेल नहीं खाते होंगे वह शून्य कर दिए जाएंगे अर्थात समाप्त कर दिए जाएंगे। यह आर्टिकल 13 में वर्णित किया गया है। आर्टिकल 13 कहता है कि यदि कोई विधि मूल अधिकारों के विरुद्ध बनाई जाती है तो उस विधि को शून्य माना जाएगा अर्थात समाप्त माना जाएगा, क्योंकि वह मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। अब आते हैं सातवें प्रश्न की ओर। संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस में किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी प्रावधान केवल नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत मिलता है जो आर्टिकल 51 में वर्णित है।
आठवें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्न में से कौन केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारी आयोग का सदस्य नहीं था? तो तीन सदस्यों वाली केंद्र राज्य से संबंधित सरकारी आयोग का गठन किया गया था, जिसका गठन 1983 में किया गया था सरकारिया की अध्यक्षता में। तो इसके जो सदस्य नहीं थे वो थे मोरारजी देसाई, इसके सदस्य नहीं थे। इसके अतिरिक्त ए, बी और सी तीनों ही इस समिति के सदस्य थे। नौवें प्रश्न की ओर आते हैं। क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति। तो क्षेत्रीय परिषद जो होते हैं वह वास्तव में केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में बनाए जाते हैं, और राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के दौरान जो है इसे बनाया गया था। वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषद हैं और इनकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय आपात की घोषणा जारी होने से बाद कितने समय के भीतर इसका संसद में दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए? यानी राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 53-52 के तहत जो लगाया जाता है उसके कितने समय के बाद संसद में इसका अनुमोदन होना आवश्यक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 माह। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है तो संसद में इसके अनुमोदन के लिए 1 माह का समय मिलता है, जबकि वित्तीय आपात लगाया जाता है तो इसके लिए 2 माह का समय मिलता है। अब आते हैं 11वें प्रश्न की ओर। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है, मुद्रा आपूर्ति कमी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, करों में कमी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का तात्पर्य है कि जब घाटे में वित्तीय व्यवस्था पड़ती है तो वैसे में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। अब आते हैं 12वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2007 में की गई थी। अब आते हैं 13वें प्रश्न की ओर। भारत में मुद्रा स्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? भारत में इन्फ्लेशन को मापने के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सा माप यूज किया जाता है? WCI, IIP, CPI, PPI। तो वर्तमान में अगर बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित जो माप है मुद्रा स्फीति को मापने के लिए वो CPI है, क्रॉस प्राइस इंडेक्स। अब आते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के निर्धारण से संबंधित संस्तुति करता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, कृषि लागत एवं कीमत आयोग CACP जिसको कहते हैं, ये कृषि एवं लागत कीमत आयोग है जिसके द्वारा MSP का अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है और कई फसलों के लिए ये किया जाता है। 15वें प्रश्न, भारत में विदेशी विनिमय भंडार का रख रखाव करता है? तो भारत में विदेशी विनिमय भंडार का रख रखाव संबंधी अधिकार जो है वो RBI के पास है। तो जितने भी विदेशी विनिमय संबंधित मामले हैं वो RBI के देखरेख में किया जाता है। अब आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। निर्धनता का दुष्चक्र काफी चर्चित रहा है कि अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। ये रेगनर नक्स के द्वारा दिया गया था और रेगनर नक्स ने निर्धनता के दुष्चक्र का एक सर्किल बनाया था, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। अब आते हैं 17वें प्रश्न की ओर। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे अच्छा उपयुक्त मापदंड कौन सा होता है? अर्थात किसी देश की आर्थिक समृद्धि को देखना है तो उसके लिए कौन सा मापक सबसे उचित माना जाता है? तो वर्तमान में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है GDP। GDP के माध्यम से ही विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के समृद्धि को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। जैसे अमेरिका की GDP क्या है, भारत की GDP क्या है, इससे उसके आर्थिक समृद्धि को देखने का प्रयास किया जाता है।
18वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आपको पता है कि कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी, जिसमें शुरुआती विशेष मॉडलों पर आधारित थे। उसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो आपको पता भी होगा, हेराल्ड डोमर मॉडल, जो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के लिए लाया गया था, जिसमें कृषि पर विशेष रूप से जोर दिया गया था। 19वें प्रश्न की ओर आते हैं। 2019 में युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रैम्प कहाँ से शुरू की गई? तो ये 2019 का जो युद्ध अभ्यास था टाइगर ट्रैम्प, इसकी शुरुआत जो है वो विशाखापत्तनम से 13 नवंबर को किया गया है, तो इस प्रश्न को याद रख सकते हैं। अब आते हैं 20वें प्रश्न की ओर। एशियाई चैंपियनशिप शूटिंग में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये काफी चर्चित रहा था, ये 10 मीटर एयर पिस्टल, ये 14वें एशियन चैंपियनशिप में पदक जीती हैं, और ये जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी है मनु भाकर। इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप शूटिंग में महिलाओं की ओर से स्वर्ण पदक जीता। 21वें प्रश्न की ओर आते हैं। UNFCCC के COP25 का आयोजन वर्ष 2019 में किस देश में किया जाएगा? तो ये UNFCCC COP25 का आयोजन स्पेन में किया जाना प्रस्तावित है, तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा स्पेन। अब आते हैं 22वें प्रश्न की ओर। हाल ही में आयोजित 35वें आसियान शिखर सम्मेलन का विषय था लचीला और अभिनव, डायनामिक आसियान, हमारे लोग, हमारा समुदाय, हमारी दुनिया, स्थिरता के लिए सरदारी को आगे बढ़ाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ऑप्शन, स्थिरता के लिए सरदारी को आगे बढ़ाना। और बैंकॉक में इस 35वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2019 में किया गया। अब आते हैं 23वें प्रश्न की ओर। वर्ष 2019 में गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? हाल ही में गुरु नानक देव की जयंती मनाई गई, तो इनका जो गुरु नानक देव जी का जो जयंती मनाया गया वो 550वीं जयंती थी, और आपको पता होगा कि सिख धर्म के संस्थापक के रूप में गुरु नानक देव को जाना जाता है। अब आते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 100 T20 खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन सुरेश रैना, रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली। तो 100 T20 मैच खेलने वाले सबसे पहले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं, जिन्होंने हाल ही में हुए T20 श्रृंखला में अपने 100वें मैच पूरे किए हैं। अब आते हैं 26वें प्रश्न की ओर। पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्ष 2019 के राष्ट्रीय पुरस्कारों में राजा राम मोहन राय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पत्रकारिता के क्षेत्र का यह एक प्रमुख पुरस्कार है, राजा राम मोहन राय पुरस्कार, और यह इस बार गुलाब कोठारी को दिया गया है। तो गुलाब कोठारी को पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है। 27वें प्रश्न की ओर आते हैं। अस्थाई या सतत जल प्रबंधन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अस्थाई या सतत जल प्रबंधन, आपको पता होगा कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं को देखते हुए इस तरह के कई बैठक आयोजित होते रहते हैं, साथ ही साथ पेयजल की समस्या भी आज भारत की एक प्रमुख समस्या है। ऐसे में अस्थाई एवं सतत जल प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत में ही किया गया। भारत में इसका आयोजन पुणे में किया गया, जहां पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका शुभारंभ नवंबर में किया। अब आते हैं 28वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का पहला नेत्रहीन मैत्रीपूर्ण रेलवे स्टेशन बन गया है? नेत्रहीन मैत्रीपूर्ण रेलवे स्टेशन, और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है मैसूर। मैसूर दृष्टि बाधित मैत्रीपूर्ण रेलवे स्टेशन बनने वाला पहला रेलवे स्टेशन बना है। 29वें प्रश्न की ओर। भारत के पहले वैश्विक मेगा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। इस प्रश्न का सही उत्तर है साइंस सिटी। साइंस सिटी कोलकाता में इसका आयोजन जो है वो किया गया। तो भारत के पहले मेगा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कोलकाता, बंगाल में किया गया। 30वें प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री हैं, और ब्रिटेन के कौन है प्रधानमंत्री?
एंथलो अल्बानी, मैकुलम टर्नबुल, स्कॉट मॉरिसन, बोरिस जॉनसन। इस प्रश्न का सही उत्तर, आप सबको पता होगा कि बोरिस जॉनसन हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए। 31 प्रश्न की ओर आते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपको पता होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो है वो प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं। पहले भारत का रैंक 77 था, लेकिन हाल ही में 2019 में प्रकाशित रैंकिंग में भारत का रैंक घट करके 63rd हो गया है और इसमें पहला स्थान न्यूजीलैंड को प्राप्त है। अब आते हैं 32वें प्रश्न की ओर। हाल ही में चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पर रख दिया गया है? तो चेनानी नासरी सुरंग का नाम चेंज करके रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम के से ही अब चेनानी नासरी सुरंग को जाना जाएगा। अब आते हैं 33 प्रश्न की ओर। वर्ष 2019 का दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किस पंचायत को प्रदान किया गया? तो 2019 का दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार यह दिया गया है नेदुमंगम, नेदुमंगम गांव को, पंचायत को दिया गया है जो केरल राज्य से संबंधित है। 34वें प्रश्न की ओर आते हैं। 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स के लेखक है, ये एक पुस्तक है जिसके लेखक के संबंध में पूछा जा रहा है। आपको याद रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर है के एन पंडित और ऑप्शन में ए, प्रोफेसर के एन पंडित। 35वें प्रश्न की ओर आते हैं। बल का परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से मिलता है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। आपने पढ़ा होगा कि बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। इसके अलावा जड़त्व संबंधी नियम भी इसी से प्राप्त होता है। आते हैं 36 में। इसमें एक सूची में कुछ मिलान करने के संबंध में दिए गए हैं, तो चलिए इसे देखते हैं और इसे मिलान करते हैं। 36 में मिलान करेंगे रेडियम मैडम क्यूरी से संबंधित है, पेनिसिलिन फ्लेमिंग से संबंधित है, एक्सरे रोंटजन से संबंधित है और चेचक एडवर्ड जेनर से संबंधित है। तो ये विभिन्न चिकित्सीय क्षेत्र और इन्हें खोजकर्ता से संबंधित है ये सारी चीजें। तो इसे ऑप्शन के साथ अगर आप मिलान करेंगे तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब आते हैं 36-7 प्रश्न की ओर। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो डायनमो वास्तव में क्या करती है? इसे आपको याद रखना है कि यह एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आप जनरेटर को इसका एक अच्छा उदाहरण मान सकते हैं कि डायनमो एक यंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पादित करने का कार्य करता है, इसलिए इसका सही उत्तर है सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अब आते हैं 38 प्रश्न की ओर। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है? तो पानी की एक विशेषता होती है कि इसका जो डेंसिटी होता है वो सर्वाधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर पाया जाता है। इसके कारण कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बर्फ जमी हुई सतह वाले पानी में भी मछलियों का जीवित रह लेना, पानी का गर्म करने पर उसके घनत्व में किस प्रकार से परिवर्तन आना या उसके आयतन में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, इस संबंध में कई प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो ये सही उत्तर आपको याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं 39। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, तो दूध का घनत्व ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर वह यंत्र है जिसके माध्यम से दूध की डेंसिटी ज्ञात कर ली जाती है। अब आते हैं 40वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ऑप्शन विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विटामिन। विटामिन ए का निर्माण जो है वो हमारे शरीर में नहीं होता है बल्कि बाह्य रूप से हमें प्राप्त होता है और यह रोगों के संबंध में प्रतिरक्षा के लिए जरूरी माना जाता है। अब आते हैं 41 प्रश्न की ओर। थ्रोम्बिन का काम क्या है? हमारे शरीर में थ्रोम्बिन का काम क्या होता है? थ्रोम्बिन का काम वास्तव में रक्त जमाव से बचाव के लिए होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है बी, यह रक्त को जमने से रोकता है। अब आते हैं 42 प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है?
मानव गुर्दा का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कि मानव गुर्दे का काम रक्त में शकरा की मात्रा का नियंत्रण करना नहीं है, वो इंसुलिन के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा यूरिया को छानकर बाहर करना, जल की मात्रा का नियंत्रण करना, हार्मोनिक स्राव को रोकना सभी मानव गुर्दे के कार्य है। 43. कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? और ये प्रश्न आपको क्वेश्चन बैंक में भी कई बार देखने को मिल जाएंगे। इसका सही उत्तर है एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। यह एकमात्र ऐसा गैस है जो हार्मोन है और हार्मोन को गैसीय रूप में देखने को मिलता है, तो इसका सही उत्तर है एथिलीन गैस, और एथिलीन गैस के माध्यम से कच्चे फलों को पकाया जाता है। अब आते हैं 44। निम्न में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जीवाणु जनित रोग जो है इसमें टिटनेस है, बाकी वायरस से जनित रोग है। तो टिटनेस एक जीवाणु जनित रोग है जो वैसिलन टिटनी नामक जीवाणु के माध्यम से होता है, याद रखेंगे वैसिलन टिटनी नामक जीवाणु। 45. सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन द्वारा, अनायनीकरण द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। तो ये बात आप जानते होंगे कि चाहे वो तारे हो या हो सूर्य, सभी में प्रकाश का जो मूल स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है 45 का सी। अब आते हैं 46 प्रश्न की ओर। जब किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। इसका सही उत्तर है कि चंद्रमा पर यदि किसी वस्तु को ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। और क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने के कारण वहाँ पर 1/6 भार कम हो जाता है। ये 47वां प्रश्न था, 46वें क्यों आते हैं? धान से निकलने वाली गैस है, तो धान के खेतों में जब पानी लग जाता है तो इसके कारण कई गैसें रिलीज होती हैं। ऑप्शन इथेन, मीथेन, नाइट्रोजन, ये सभी। तो मीथेन इसमें सबसे प्रमुख गैस है जो निकलते हैं, लेकिन इसके अलावा नाइट्रोजन और इथेन गैस भी निकलते हैं, लेकिन सबसे मेन जो गैस है जो रिलीज होता है वो है मीथेन, और नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि निकलते हैं। तो यहाँ सही उत्तर होगा मीथेन। 48 में आते हैं। निम्नलिखित में से उष्मा का सबसे अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। तो पानी भी चालक है, पारा भी चालक है, लेकिन सबसे अधिक चालक पूछा जा रहा है, इसलिए सही उत्तर होगा पारा। यही कारण है कि थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उष्मा का अच्छा चालक होता है। 49. निम्नलिखित में नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? कौन सा नोबेल गैस जो है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, हीलियम, आर्गन, रेडॉन और नियोन। इसका सही उत्तर है सी, रेडॉन। रेडॉन जो है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त आपको ये ध्यान रखना है कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस नाइट्रोजन है जो 78% है, ऑक्सीजन है जो लगभग 21% है, आर्गन है जो 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड है जो 0.03% है। 50वें प्रश्न की ओर आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, यह भी सही है। उन्होंने वर्ष 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। ये सही है, ये गलत है, क्योंकि सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी 1873 में, न कि दयानंद सरस्वती के द्वारा। अब आते हैं 51 प्रश्न की ओर। किस गवर्नर जनरल ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स कहने वाले गांधी जी को लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके संबोधित किया था। तो याद रखेंगे, कभी कभी ये भी प्रश्न आ सकता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे बाउंड्री वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, तो महात्मा गांधी।
अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 52। 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित कीजिए। किसने किसके संबंध में 1857 के संबंध में क्या कहा था? तो चलिए इसे देखते हैं। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन को मिलान करना है। डिजरेली, टी आर होम्स, बी डी सावरकर, कर्नल रीज, किसने क्या कहा था? ये आपको वीडियोस में भी मेरे देखने को मिल जाएंगे और इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। इसका सही उत्तर है डिजरेली ने कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। टी आर होम्स का मानना था कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच जो है वो लड़ाई थी। बी डी सावरकर का मानना था कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जबकि कर्नल रीज का मानना था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध जो है एक युद्ध था। अब आते हैं 53। ब्रिटिश जनरल आयरकूट ने हैदर अली को किस युद्ध में पराजित किया था? तो आयरकूट ने हैदर अली को द्वितीय जो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें पराजित किया था, और द्वितीय जो युद्ध हुआ था वो पोर्टोनोवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए इसे पोर्टोनोवा के युद्ध में 1782 में आयरकूट ने हैदर अली को पराजित किया था। उसके बाद टीपू सुल्तान ने जो है वो मैसूर का जो है नेतृत्व करना शुरू किया था। अब आते हैं 54वें प्रश्न की ओर। वर्ष 1907 में भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? आपको पता होगा कि 1907 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में सूरत में हुए कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इस विभाजन का सबसे बड़ा कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का भाव, अर्थात गरम दल और नरम दल दो दल बन चुके थे और दोनों में जो अविश्वास था वही सबसे बड़ा कारण बना था इस विभाजन का। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, जमुना लाल बजाज, शंकरन नायर और सत्येंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है शंकरन नायर। शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अब आते हैं 56 प्रश्न की ओर। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित किया गया था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मंत्री की जो एक टीम आई थी उस टीम में 3 सदस्य थे, एक कौन नहीं था? चलिए ऑप्शन देखते हैं, पैथिक लॉरेंस, जॉन साइमन, स्टेफोर्ड क्रीप्स, एवी एलेक्जेंडर। इस प्रश्न का सही उत्तर है जॉन साइमन। जॉन साइमन साइमन कमीशन में भारत आया था, न कि कैबिनेट मिशन में भारत आया था। अब आते हैं 57 प्रश्न की ओर। आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए, यह कथन किस व्यक्ति से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और यह कथन किसी और का नहीं महात्मा गांधी की है, जब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस कथन को कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। 58। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो ब्रिटेन में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में जो पार्टी थी वह आपको क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की थी। 59। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? आपको ज्ञात होना चाहिए कि 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। पहला बार 1877, दूसरी बार 1903 और तीसरी बार 1911, अर्थात 1877, 1903 और 1911 में 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1877 में जब पहली बार इसका आयोजन किया गया था तो लीटन इस समय भारत के वायसराय थे, तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लीटन। 60वें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था? तो सल्तनत काल जो मध्य काल का एक पार्ट है उस दौरान दिल्ली सल्तनत काल में जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में यूज हो रहा था वो था देवल, जो कि सबसे चर्चित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था।
61 हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? यह 1336 में हरिहर एवं बुक्का द्वारा संगम वंश की स्थापना की गई और यहीं से विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत हुई, तो इसलिए सही उत्तर है 1336। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था रामानंद द्वारा, और इन्हें ही श्रेय दिया जाता है दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर धार्मिक आंदोलन को, भक्ति आंदोलन को लाने का। अब आते हैं 63 की ओर। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो कबूलियत या पट्टा प्रथा की शुरुआत जो है वह शेर शाह सूरी के समय शुरू किया गया था, जिसे बाद में अकबर ने भी आगे बढ़ाया था। 64 बौद्ध धर्म के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पहला, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। ये बिल्कुल सही है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश शरावस्ती में दिए। ये भी सही है। बुद्ध का जन्म 566 ईसा पूर्वी में हुआ था और प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में आयोजित हुआ। ये भी सही है। गलत कौन है? तो तीसरा, क्योंकि आपको पता होगा कि बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, इसलिए यह गलत है। अब आते हैं 65वें प्रश्न की ओर। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? पहला है पल्लव, शक, कुषाण और हिंद यूनानी। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों द्वारा जारी किए गए थे, जिन्हें इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं 66वें प्रश्न की ओर। कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत कब की गई थी? कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का संस्थापक था और उसने 78 ईसा पूर्व में, सॉरी माफ कीजिएगा, 78 ईस्वी में राजा बनने के उपलक्ष्य में उसने शक संवत की शुरुआत की थी। इसके अलावा विक्रम संवत, गुप्त संवत आदि भी भारतीय इतिहास में प्रचलित रहे हैं। अब आते हैं 67। हर्षवर्धन के काल में कौन प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाला प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग था। वेनसांग भारत आया और भारत में आने के बाद इसे यात्रियों का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है और इसने भारत के ऊपर अपनी वृत्तांत सी यू की रचना की। 68 धुएं के पार देखने पर वस्तुएं हिलती दिखाई देती है, इसका कारण क्या होता है? तो धुएं के उस पार देखने पर वस्तुएं हिलती हुई प्रतीत होती है, इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन, और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही वस्तु एक जगह स्थिर दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है, डेंगू ज्वर का कारण क्या है? तो डेंगू बुखार जो काफी चर्चा में रहता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है कवक, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। तो डेंगू का जो कारण है वो है वायरस, और यह वायरस मच्छर द्वारा फैलाया जाता है, और वायरस फैलाने वाले इस मच्छर का नाम है मादा एनफ्लीज मच्छर, जिसके माध्यम से डेंगू फैलता है। 69 के बाद आते हैं 70। पौधों को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाला कौन सा तत्व होता है? तो पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि के लिए पोटेशियम का यूज किया जाता है। आपको पता होगा कि खेतों में उर्वरक के साथ साथ उर्वरक के दौरान जो है वो पोटेशियम भी दिया जाता है, ताकि पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो सके और पौधे अपने आप को सर्वाइव रख सके। अब आते हैं 71 की ओर। जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो जीएसटी परिषद जो है वो 279 आर्टिकल में दिया गया है। 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है, जिस जीएसटी परिषद की अध्यक्षता सदैव केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। आपको पता हो कि जीएसटी परिषद 122वें संविधान संशोधन विधेयक और 101वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मान्यता दी गई थी। इसमें सदस्यों की संख्या कुल 33 है। आते हैं 72 प्रश्न की ओर। ब्रिक्स कितने देशों का समूह है? ब्रिक्स वास्तव में 5 देशों का समूह है, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का ग्रुप है, जिसमें विकासशील एवं रसिया विकसित देश भी शामिल है।
इसका 11वां हाल ही में बैठक जो है वो ब्राजीलिया ब्राजील में आयोजित हुआ था। अब आते हैं 73 प्रश्न की ओर। राज्यों में एक मंत्री परिषद होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो केंद्र के समान ही राज्य में एक मंत्री परिषद होता है और इसी मंत्री परिषद की सलाह पर मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। तो राज्यों के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 163 के तहत किया गया है, जबकि केंद्रीय स्तर पर मंत्रिमंडल का प्रावधान आर्टिकल 74 के तहत किया गया है। तो यहाँ चूंकि राज्य का मंत्री परिषद पूछा जा रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 163। अब आते हैं 74। आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो आरबीआई वह संस्था है जो कि भारत के संपूर्ण मॉनेटरी पॉलिसी का रेगुलेशन करती है। इसमें एक गवर्नर के साथ साथ चार डिप्टी गवर्नर होते हैं और ये कुल 5 सदस्यों वाली टीम होती है। अब आते हैं 75 की ओर। संविधान के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख मिलता है? तो भाग 9, भाग 11, भाग 2, भाग 3। तो यहाँ ध्यान रखना है कि संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, जबकि अनुसूची 11 में इसका वर्णन है। बात अगर आर्टिकल की करें तो 243A से लेकर के 243O तक में पंचायत से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। अब आते हैं 76। कर्म ही पूजा का नारा किसने दिया? कर्म ही पूजा का नारा जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है, जिसमें कर्म की प्रधानता पर महात्मा गांधी ने जोर दिया है। 77। कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर भारत के किसी नागरिक को नागरिकता समाप्त कर दी जाती है? भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक में दिए गए हैं। इसमें यह प्रावधान रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक उसकी सूचना नहीं मिलती है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वह भारत का नागरिक नहीं है। तो इसलिए इसकी जो समय सीमा है वो 7 वर्ष है। लगातार 7 वर्ष तक बाहर रहने पर वह नागरिकता उसकी भारत में समाप्त हो जाती है। 78। भारत की जनता के संदर्भ में किसने हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया था? यूनानियों द्वारा, रोम वासियों द्वारा, चीनियों द्वारा, अरब वासियों द्वारा? तो इसका सही उत्तर है अरब वासियों द्वारा। अरब वासियों द्वारा इसे सिंधु नदी के नाम पर हिंदू कहकर के संबोधित किया गया था। इसलिए याद रखेंगे कि भारतीयों को हिंदू शब्द अरब वासियों द्वारा दिया गया है। 79। हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या है? ऑप्शन सारे जहां से अच्छा, जनगणमन, वंदे मातरम, ए मेरे वतन के लोगों। यहाँ पर सही उत्तर आपको पता होना चाहिए कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, जबकि जनगण मन राष्ट्रीय गान के रूप में जाना जाता है। 80 प्रश्न। चाबहार पोर्ट की विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? यह कई एग्जाम में पूछे गए हैं ये प्रश्न। चाबहार बंदरगाह के संबंध में भारत और ईरान के बीच समझौता हुआ है और ईरान में बन रहे चाबहार बंदरगाह को भारत द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, ताकि मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और भारत के जो प्रमुख जो सहयोगी देश है उनके साथ संबंध बढ़ाया जा सके। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नासा आपको पता होगा कि यह नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अमेरिका की संस्था है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जो कि अमेरिका में ही स्थित है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? भारत में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 21 है, जिसके माध्यम से स्टॉक्स बेचे एवं खरीदे जाते हैं। 83। भारत में रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है वर्तमान में? वास्तव में भारत में 3 प्रकार के दल बनाए गए हैं, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय या राज्य पार्टी और है अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। तो इन अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी और सभी पार्टियों को अगर मिला लेते हैं तो भारत में 2546 ऐसे दल हैं जो रजिस्टर्ड हैं। अब आते हैं 84 प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यक होती है? कितने प्रतिशत वोट या कितने वोट सीट मिलने आवश्यक होते हैं? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है
कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें 4% मत अगर प्राप्त हो जाते हैं तो वह जो है वह राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकता है, या कुल 4 राज्यों में उसको कम से कम 4 सीटें प्राप्त होती हैं तो भी उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो सकता है, या फिर डाले गए कुल वोट का 6% यदि प्राप्त हो जाता है तब भी उसे मिल सकता है। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए ये तीनों में से कोई भी एक प्राप्त होने पर उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो सकता है। 85। भारत में राष्ट्रीय ध्वज में कितने चक्र हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पूछा गया है कि भारत में कितने राष्ट्रीय ध्वज में कितने चक्र हैं। चक्र एक ही होता है, जबकि उस चक्र के बीच में तिल्लियाँ 24 होती हैं। तो चूंकि यहाँ चक्र पूछा गया है इसलिए ऑप्शन होना चाहिए था एक, और यहाँ पे ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं, तो इसलिए चक्र एक और तिल्लियाँ 24। तो अगर तिल्लियाँ पूछी जाएंगी तो आंसर आपके 24 होंगे, जबकि चक्र पूछा जाएगा तो एक होगा। अब आते हैं 86। पृथ्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पृथ्जकर पुरस्कार काफी चर्चित पुरस्कार है और इसे आप ध्यान रखेंगे, यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगर पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो वह पत्रकारिता के क्षेत्र में होता है। तो याद रखें, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता और पृथ्जकर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। 87 प्रश्न की ओर आते हैं। विश्व का प्रथम देश जहां विकास मापने के लिए खुशी को आधार बनाया गया है, यह देश आपको पता होगा क्योंकि काफी चर्चित रहा है, यह है भूटान। भूटान में पहली बार ऐसा रिपोर्ट बनाया गया कि वहाँ विकास को मापने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों की खुशहाली, और इसी को फॉलो करते हुए कई देश इसको शुरू कर चुके हैं। अब आते हैं प्रश्न 88 की ओर। निष्क्रिय विरोध सिद्धांत किसने दिया था? ये निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत जो है वो अरविंद घोष से संबंधित है। और इस सिद्धांत का मतलब क्या होता है? तो इसका तात्पर्य होता है जब तक आज़ादी नहीं तब तक विरोध रुकेगा नहीं। तो अर्थात तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी। इस विरोधी सिद्धांत को निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत कहा गया और यह अरविंद घोष से संबंधित है। अगला है 89। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो पृथ्वी पर कभी भी मौसम परिवर्तन जो होते हैं उसके लिए कई चीज़ें उत्तरदायी होती हैं। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका हुआ होना, और दूसरा पृथ्वी का अपने चारों ओर परिक्रमण करना, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना। तो यानी ए एंड बी दोनों इसके सही है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। इस पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना किसी भी तरह से कारण नहीं होता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी ही सही उत्तर होगा। अब आते हैं 90 प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? तो भारत के सबसे दक्षिण स्थित पहाड़ी में ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस पहाड़ी का सही उत्तर है कोडेमम पहाड़ी, जो कि केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है, जो कि भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। तो कोडेमम पहाड़ी इसका सही उत्तर है। अब आते हैं 91। किस ग्रह का घूर्णन काल पृथ्वी के लगभग बराबर होता है? शुक्र, मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति। तो घूर्णन काल से तात्पर्य अपने अक्ष पर घूर्णन से है। तो पृथ्वी का घूर्णन काल लगभग 24 घंटे का होता है, और लगभग पृथ्वी के बराबर अगर बात करें तो वैसा घूर्णन काल मंगल का है, क्योंकि आपको पता होगा कि पृथ्वी के समान ही अगर कहीं दिन रात होने की संभावना है तो वह मंगल पर है। इसलिए पृथ्वी के घूर्णन काल के लगभग बराबर घूर्णन काल वाला ग्रह मंगल है, जिसका घूर्णन काल भी लगभग 25 घंटे होता है और पृथ्वी का लगभग 24 घंटे होता है। 92। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? मिकिर, मीरी, ओबोर, मिसमी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मिकिर। मिकिर पहाड़ी जो है वो असम में स्थित है, जबकि अन्य तीनों पहाड़ियाँ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 93। निम्नलिखित में कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा आपको पता होगा कि भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कौन सा शहर है, और बाकी जितने भी इसमें ऑप्शन होंगे वो कर्क के दक्षिण में होंगे।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आइजोल। आइजोल जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि अन्य सभी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। 94 प्रश्न की ओर आते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सी झील है? कोलेरू, चिलिका, वेबनाड, पुलिकट। इसका सही उत्तर है कि वेबनाड झील। वेबनाड झील जो है वह केरल में है और यह पश्चिमी तट पे है, जबकि अन्य तीनों ही झील भारत के पूर्वी तट से संबंधित है। 95 असम राज्य की राजधानी कहाँ है? और ये कई बार आपको ऑप्शन में कई बार अनदेखा सा लगेगा, गुवाहाटी ऑप्शन आप ज़्यादा उपयुक्त मान लेंगे, लेकिन इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि असम दिसपुर इसकी राजधानी है, गुवाहाटी नहीं। 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गंगा नदी नहीं प्रवाहित होती है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो किस राज्य से होकर गंगा नदी नहीं प्रवाहित होती है? तो पहले इसमें प्रवाहित होने वाले राज्य अगर आप चुन लेंगे तो निश्चित रूप से नहीं प्रवाहित होने वाले आप छांट पाएंगे। तो उत्तराखंड से प्रवाहित होती है, पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होती है और झारखंड के सीमा से भी प्रवाहित होती है। तो नहीं प्रवाहित होने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, जिससे होकर के गंगा नदी नहीं गुजरती है। अब आते हैं 97 प्रश्न की ओर। पृथ्वी के सबसे नजदीक के ग्रह का क्रम क्या है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक के ग्रह में अगर बात करें तो आपको पता होगा कि पृथ्वी की एक तरफ शुक्र तथा एक तरफ मंगल है। तो ऐसे में सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है, उसके बाद मंगल है तथा उसके बाद बुध है। तो इस तरह से शुक्र, मंगल, बुध अर्थात ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यदि सूर्य से सबसे नज़दीक पूछा जाए तो आंसर बुध होता है। 98 निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो आपको ऑप्शन अगर दिखाई दे रहा होगा तो हम्बोल्ट प्रशांत जलधारा जो है वो प्रशांत की जलधारा है, जबकि अन्य जो है वो अटलांटिक की जलधारा है। तो हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर से, जबकि अन्य अटलांटिक महासागर से संबंधित है। 99 कौन सा देश भू आबाद चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ देश है? अर्थात वैसे देश जो कि लैंड लॉक्ड होते हैं, अर्थात चारों तरफ से उसके भूमि होता है, समुद्र नहीं होता है, वैसे देशों को जो है लैंड लॉक्ड देश कहा जाता है। ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड। तो इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। 99 का सी, स्विट्जरलैंड एक प्रकार से भू आबाद देश है, जिसके चारों ओर जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे देश स्थित है। लास्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की लिंगा अनुपात सर्वाधिक है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे मणिपुर, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ऐसे मैं आपको बता दूं कि भारत में सर्वाधिक लिंगा अनुपात केरल का है, जो कि 10:84 है, लेकिन इन चारों में सबसे ज्यादा किसकी है ये उत्तर चुनना है। मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें, मणिपुर, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। आप लिखें क्वेश्चन नंबर 100 और उसके सामने डैश दे करके इन चारों में से जो आपको सही लगता है वो नाम। देखते हैं कौन से दोस्त सही उत्तर दे पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।